नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से, और आज हम जो आपके लिए प्रोजेक्ट बनाने के विधि लेके आए हैं वो है ये कुशन, बटनलेस कुशन, जिसमें ना आपको बटन लगाना है ना आपको काज करना है, और वो फिर भी आपके कुशन को बिल्कुल ठीक से अंदर रखेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और ये जो टेक्निक है, ये जो ब्लॉक है जिसके साथ हमने इसको बनाया है, इसको हम 9 पैच कहते हैं। ये 9 पैच का ब्लॉक है, जो ये 9 पैच है कलर्स, वो हम 9 डिफरेंट कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं। कुछ हमने प्लेन या सॉलिड जिसको बोलते हैं कलर्स हैं, कुछ शॉर्ट कलर्स हैं या 2-टोन कलर्स हैं, जिसको हम इस वक्त सॉलिड फैमिली में मानेंगे, प्लेन कलर में, और फिर हमारे चेक्स हैं। तो हम इनको कॉमन उसमें मद्रास चेक्स बोलते हैं, बाहर इनको प्लेट्स बोलते हैं जो क्विल्टर्स हैं, तो हम उसके उसमें चलेंगे। तो पहले हम ये 3 कलर्स को यूज़ करेंगे, और ये बहुत फास्ट टेक्निक है। तो हमने इसमें से येलो, चेक्स रेड और प्लेन येलो, ये 3 फैब्रिक्स लिए हैं। आपने मेरा पहले एक ट्यूटोरियल देखा है जिसमें हमने ये बेबी क्विल्ट बनाई थी, तो आपको याद होगा हमने रेल फेंस वाला ब्लॉक बनाया था जब हमने बेबी क्विल्ट बनाई थी, तो ये रेल फेंस। तो इन तीनों से हम एक्चुअली रेल फेंस ही पहले बनाएंगे। हमारा एक जो क्विल्टिंग कम्युनिटी में एक बड़ा स्टैंडर्ड मेजर है, मोस्ट ऑफन हम वही मेजर अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और वो है 2.5 इंच की चौड़ाई का पट्टा। हम 2.5-2.5 इंच के पट्टों में काफ़ी कुछ कर लेते हैं, और ये भी हमारे ब्लॉक्स जो हैं वो 2.5 इंच के ही कट में हैं। तो हम हर कलर का कट करेंगे, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप प्लीज़ स्टार्ट करने के टाइम एक बार इसको ट्रिम ज़रूर कर लीजिए। आपने जब ये कट कर लिया रोटरी कटर के साथ, आप थ्रेड लॉक करेंगे और आप ये चेक करेंगे कि ये कट गया है कि नहीं। तो अब आप जितने चाहो इस तरह से ये स्ट्रिप्स काट लीजिए। तो ये मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स हर कलर के काट लिए हैं, और अब हम इनको साथ में सिलेंगे। अब जो मेरा लेआउट है उसमें एक प्लेन, एक चेक, एक प्लेन, और यहाँ पे चेक प्लेन चेक, और फिर से प्लेन चेक प्लेन, तो उस थीम के साथ ही मैं चल रही हूँ। तो पहला मेरा है रेड फैब्रिक, और फिर मेरा है ये येलो चेक फैब्रिक। तो ये जो कपड़ा है, नॉर्मली हम आपको हमेशा कहते हैं कि सीधी तरफ अंदर होनी चाहिए और रॉन्ग तरफ बाहर, क्योंकि हमने मशीन की सिलाई करनी है। लेकिन ये जो लाइन हमारी जो फैब्रिक की है, ये यार्न डाइड है, यानी कपड़ा बुनने से पहले धागा रंगा गया था फास्ट कलर्स, एजोफ्रीड कलर्स के साथ, डाइज के साथ, नैप्थॉल फ्री उसके साथ रंगा गया था। उसके कारण ये कपड़ा दोनों तरफ सेम कलर्स दिखाएगा, तो इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। अब हम इसको ऐसे जॉइन कर लेंगे, मिला लेंगे दोनों को। आप देखिए, कोई कपड़ा बाहर नहीं, कोई अंदर नहीं, एकदम इक्वल उस पर हम इनको मिला के हर थोड़ी दूरी पे इसको पिन कर दीजिए, थ्रू आउट पिन कर दीजिए, और अब इसको हम सिलेंगे। अब हमने ये 2 कलर्स इकट्ठे कर लिए हैं, सीम टुगेदर कर लिया है, और अब हम ये तीसरा कलर, ध्यान रखिएगा कि हमने पैटर्न डिसाइड किया है उसमें सॉलिड साइड में है, सेंटर में चेक्स हैं और फिर सॉलिड है, तो उसी तरह से आप चलिए। अच्छा तो लगता है, जैसे आपको पसंद है, लेकिन ये मैंने अपने डिज़ाइन में इस तरह से चाहा है कि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। और ये हमने अपने तीनों स्ट्रिप्स जॉइन कर लिए हैं, और अब आप इसको देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये बिल्कुल रेल फेंस की तरह बन गया है। रेल फेंस हमने 3 कलर्स में बनाया था, अब हम 9 पैच जो है 9 कलर्स में बना रहे हैं। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर स्टेज पे हमको आयन करना है, तो अब हम इसको आयन करेंगे। आप ये सीम्स खोल लीजिए इस तरह से, क्योंकि वो फिर जब हम इनको पैच वर्क करना शुरू करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, अगर हम इनको पहले खोल लें।
और आगे भी ज़रूर करिएगा। जब आप पूरा ये आयन कर लें तो फ्रंट साइड भी, इसको भी देखिए कि ये ठीक से प्रेस हो गया हो। तो अब आप देखिए मैंने ये तीनों कलर्स के एक एक स्ट्रिप रेडी रखा है, जो बिल्कुल रेल फेंस की तरह ही है ये ब्लॉक। तो अब हम तीनों को फिर से इनको काट देंगे क्योंकि स्क्वायर्स। तो अब आप देख रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ एक एक ढाई ढाई इंच का टुकड़ा काट के जोड़ने के बदले हमने तीन साथ में जोड़े और अब हमारे तीन टुकड़े जुड़े जुड़ाए हमको मिल जाएंगे। और याद रखेंगे कि हमने सेल्वेज जो किनारा होता है कपड़े का वो काटेंगे, ये देखिए ऐसे। और फिर अब हम इनको ढाई ढाई इंच की स्ट्रिप्स में काट देंगे। इस तरह से मैं तीनों ये कपड़ों की हम ऐसे स्ट्रिप्स काट लेंगे और अब हम ये ब्लॉक असेंबल करना शुरू करेंगे, इसको बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारी तीन रोज तैयार हो। हमने इसको प्रेस खोल के किया है, देखिए हमने दोनों तरफ की जो सिलाई है जहाँ कपड़ा जुड़ा है जिसको सीम बोलते हैं वो हमने खोल के किया है। तो अब हम इनको, ये जरा देखिए ध्यान से कि ये हमने कैसे इनको मिलाया है, जहाँ पे ये दोनों कपड़े इकट्ठे मिल रहे हैं उस पॉइंट को हमने पिन किया है। अब देखिए हमने वो पिनिंग किया था, देखिए कैसे कोने से कोना एकदम परफेक्ट स्क्वायर बन गया है हमारा। तो इसी तरह से हम जो तीसरा कलर है वो हम लगा देंगे, तीसरी लाइन ये इस तरह से सेम वे इसको हम जोड़ेंगे और सिल देंगे और ये हमारा ब्लॉक तैयार।